बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम पेपर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन में से भी स्पेसिफिकली हम आज हेडिंग्स किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट में या पेपर में वो डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एग्ज़ाम्स में यूज़ करने के लिए दो किस्म की हेडिंग्स होती हैं, एक आपकी होती है मेन हेडिंग, दूसरी सब हेडिंग। तो मेन हेडिंग आपकी ये है किस्म की, जैसे आप समझिए आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। तो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में आप जो मेन हेडिंग देंगे वो देंगे लॉ ऑफ मैथ एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन लिखने के बाद आप जो उसके नीचे आप सब हेडिंग्स बनाएंगे वो होगी जैसे इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो मेन हेडिंग आपने हमेशा सेंटर में देनी है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ मेन हेडिंग, ये लाइंस के ये जो साइड पे मार्जिन लगे हुए हैं इनके बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। और जो सब हेडिंग्स होंगी वो आप साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सब हेडिंग लिखा हुआ है बिल्कुल मार्जिन के साथ ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेन हेडिंग के मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। आप वैसे ये देखें, ये आप अगर पेपर देखें तो देखें ये मेरी एक किस्म की मेन हेडिंग है, सब्जेक्टिव वन जो मैंने लिखा है ये मेन हेडिंग है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू भी मेन हेडिंग है, इसलिए सेंटर में करके लिखा है। उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स, ये भी मेन हेडिंग थी। अब जो सब हेडिंग है वो जैसे शॉर्ट आंसर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन उसने क्या, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काजी, ठीक है। तो देखिए मैंने लेफ्ट साइड से थोड़ा स्टार्ट किया, रोल ऑफ काजी, सिर्फ हेडिंग दी है रोल ऑफ काजी, ठीक है। ये थी सब हेडिंग। तो ये है हेडिंग और सब हेडिंग में डिफरेंस। अब आप हेडिंग और सब हेडिंग देख कैसे सकते हैं, देखें ये मैंने एक तो मेन हेडिंग यू लिखी हुई है कि देखें मेन मतलब फर्स्ट वर्ड लिखा है, एम कैपिटल है और बाकी सारे भी वर्ड कैपिटल हैं लेकिन जो साइज़ है वो देखें कंपेरेटिवली स्मॉल है, ठीक है। तो देखें एम कैपिटल और बाकी लव स्मॉल, एच कैपिटल बाकी लव स्मॉल, ठीक है। एक तो तरीका ये है मेन हेडिंग देने का, और दूसरा तरीका आपके पास है ये तरीका मेन हेडिंग का। देखें फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे वर्ड स्मॉल हैं और उसमें मैंने देखें ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें बाकी वर्ड भी मैंने कैपिटल लिखे थे लेकिन साइज स्मॉल था, इसमें मैंने अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखे हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक ही नज़र में दोनों दिखा देता हूँ, ये देखें। तो कौन सा तरीका आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सब हेडिंग्स आपने बिल्कुल साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको मैंने पहले भी बताया यूज़ करनी है सब हेडिंग। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, ये मैंने लिखा हुआ है रोल ऑफ काजी, ठीक है। ये सब हेडिंग थी, ये बाकी ऊपर मेन हेडिंग, ये सब हेडिंग थी। तो इस तरह ये रोल ऑफ काजी, ये जो सब हेडिंग है ये आपने सेंटर में देनी है। ये जो आपकी दो लाइन्स लगी हुई है ना, ये आप देख रहे हैं दो लाइन, आपने बिल्कुल इसके सेंटर में अपना कॉन्टेक्स्ट रखना है, ठीक है। ये देखें ये ऊपर वाली सब हेडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, नीचे वाली देखें ठीक है, काबिले कबूल है। इस तरह आपने साइज़ भी थोड़ा इसका छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं करना। तो ये थी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का तरीका। तो अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ जिस तरह फिर आपको मुनासिब लगे। अच्छा तो मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाइए, देखिए दो हेडिंग्स हैं, एक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और दूसरे को नहीं किया हुआ। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम पे भी डिपेंड करता है। मेन हेडिंग को तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं लेकिन जो सब हेडिंग है ना उसको आपने सिंगल अंडरलाइन ही करना है, ठीक है। सब हेडिंग को सिंगल अंडरलाइन ही करना है। उसके बाद देखें दूसरे तरीके से मैंने मेन हेडिंग दी थी, उसको भी देखें एक डबल अंडरलाइन किया और एक को ऐसे ही छोड़ दिया, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन एक बार याद रखें ये जो मैंने सब हेडिंग इधर लिखा है ये थोड़ा अजीब अजीब, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा। जैसे कंपैरेटिवली अगर आप देखें रोल ऑफ काजी बुरा नहीं लग रहा, हालांकि थोड़ा राइट साइड पर चला गया, इसको आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पर करना है तो बुरा नहीं लगेगा। वो ज़रा लफ्ज़ ही कुछ ऐसा है सब हेडिंग तो वो थोड़ा लग रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।